हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ ध्रुवल और मेरे साथ है हिमांशु और हम हैं डॉक्टर ट्राइकॉर्ड से। और आज हम आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ लेके आए हैं, मतलब डिफरेंट है रेगुलर जो हम करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक रील मतलब धागा रखा हुआ है यहाँ पर हमने, तो ये कुछ इसी चीज़ से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं हमने इसको पेटीएम से मंगवाया है। ये है मिनी स्टेपलर हैंड स्विंग मशीन, तो ये धागा इसी के लिए है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये चीज़ और क्या इंटरेस्टिंग इस बार हम करने वाले हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये है मिनी स्टेपलर हैंड स्विंग मशीन। ये हमने फ्रेंड्स 99 रुपीज़ की हमें मिली और शिपिंग चार्ज 50 रुपीज़, तो हमें ये 150 रुपीज़ की पड़ गई है। तो हमें भी नहीं आइडिया है क्या चीज़ है वैसे तो ये, लेकिन चलिए देखते हैं। आउट ऑफ द मतलब बॉक्स के ऊपर जो लिखा हुआ है बाहर, सिंपल यू नीड ओनली अप एंड डाउन मोशन लाइक अ स्टेपल टू सू विद सन। तो सन मतलब ये ब्रांड होगा इनका, यस सन ब्रांड है। और क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रीली स्टिचेस कर्टन्स एंड ड्रॉप्स विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम विंडोज। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, यूजफुल फॉर मेंडिंग अनएक्सपेक्टेड रिप्स फ्रेज एंड इन गारमेंट्स बीन वॉर्न। ओके, मतलब इसके ऊपर इन्होंने यूसेज लिखे हुए हैं इसके। तो चलिए इसको खोलते हैं, फिर देखते हैं कैसे इसके और क्या क्या इसके ऊपर लिखा हुआ है। मेड इन चाइना, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मेड इन चाइना। आजकल सब कुछ ऐसी चीज़ें चाइना ही बनती हैं, इनोवेटिव चीज़ें। क्लोथ सेल्फ फीडिंग सन सन सीम समथिंग एक्स्ट्रा विद, तो मतलब कुछ ब्रांडिंग तो करी गई। बॉक्स बड़ा सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है बस। चलिए देखते हैं इसके अंदर, यहाँ पे टेपिंग है। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से खुल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल स्टेपलर की तरह है। तो ये स्विंग मशीन इतनी बड़ी बड़ी आपको दिखाते हैं अभी, स्विंग मशीन होती कैसी बड़ी सी, लेकिन ये छोटी मतलब स्मॉल साइज की। चलिए आपको दिखाते हैं बड़ी स्विंग मशीन कैसी दिखती है और फिर इसको दिखाएंगे आपको क्या कंपैरिजन कैसी होती है बड़ी सी स्विंग मशीन। और अब आपके सामने पेश करते हैं ये छोटी, तो ये और ये देख सकते हैं, ये मतलब स्टेपलर और ये पूरी इतनी बड़ी स्विंग मशीन। चलिए अब देखते हैं काम कैसे करेगी, कुछ समझ आता है हमें कि नहीं आता। चलिए फ्रेंड्स, आपको अब इसको सेटअप करना दिखाते हैं। जैसे कि अभी तो हमें सेटअप मिला था, लेकिन फिर भी हमने इसको अनइंस्टॉल कर दिया है। तो इसको सबसे पहले आपका ये जो रील है इसको आपको यहाँ पे लगाना है, और इसके नीचे से यहाँ पर ये जो फर्स्ट होल है इसके अंदर से इसको लेके जाना है। फर्स्ट सबसे पहले आपको इसके अंदर से निकालना है, इसको नीचे से ऊपर निकालेंगे ऐसे। सिंपल है, कुछ मुश्किल काम नहीं है, ऐसे निकालना है इसको यहाँ से। देन ये यहाँ पे जो दो डिस्क हैं आपके पास, चलिए उससे पहले इसको ज़रा यहाँ पर लगा कर ना, आपको इसको ये यहाँ पर ऐसे उल्टा लगाएगा और ये जो लाल रहता है इसको यहाँ पर लगा ऐसे, ताकि ये टाइट हो जाए आपका ये। चलिए इसके बाद आपको इसको यहाँ से धागा पुल करना है थोड़ा सा, और ये जो है दो आपकी जो ये स्लिप्स हैं इसके बीच में लगाना है आपको इसको। ये देखिए, दिख रहा है आपको ये इस तरीके से, ये लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब दो स्टेप हो गए आपके। फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे डालना है, सेकंड इसके अंदर, थर्ड ये देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ये हुक बना हुआ है, हुक इसके अंदर डालना है आपको अपना धागा। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हुक में, ये बस क्या सिंपल घुसाना ही है। मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर आपको डाल मैं डाल देता हूँ, फिर आपको दिखा दूँगा। कोई सिंपल है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। ये डाल दिया मैंने, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये ढूक से डल गया है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका लास्ट स्टेप बचा है, पिन के अंदर धागा डालना है। इसके अंदर धागा डालने के दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप पीछे से डाल दीजिए या आगे से डाल दीजिए।
अब इसके लिए हमें टूल दिया गया है, थ्रेडिंग टूल। तो इसके अंदर क्या करना होता है, जो आगे की ये छोटी सी तार है, ये बिल्कुल आगे से ये छोटी सी तार है बिल्कुल, ये देखिए इसको क्या करना है, पिन की आगे निप के अंदर घुसाना है। ये देखिए पिन की, अगर ऐसे ये उनके लिए है सिर्फ, जो धागा नहीं डाल सकते डायरेक्टली, इस धागे को नहीं डाल सकते पिन के अंदर, तो उसके लिए क्या करना है, ये डाला इसके अंदर, पिन के अंदर डाल दिया थोड़ा सा अपना हाथ करके ऐसे करके ये करके, देखिए ये डल गया पिन के अंदर, राइट, ये डल पिन के अंदर डल गया। अब धागे को, इस धागे को जो बाहर निकला छोटा सा होल, आपको ये दिख पा रहा होगा, दिख पा रहा है, चलिए इस होल के अंदर यहाँ पर इसके अंदर घुसाएं, क्योंकि यहाँ पे घुसाना आसान है धागा, रेदर देन पिन के अंदर ही घुसाना। तो ये हमने यहाँ पर इसको घुसा रहे हैं, ये मैं डालता हूँ इसको, आप देख सकते हैं कि हम मतलब हम सिंपल तौर सिंपल ही कर रहे हैं काम, कोई मुश्किल काम नहीं है ये, बस इसको घुसा दिए, देखिए अब इसको यहाँ से खींच लेंगे, 2 मिनट थोड़ा सा, ये पहले तो हमने किया था, हो गया था चलिए ये हो गया, खींच दिया, अब ये आप देख सकते हैं खींच दिया है। अब जैसे इसको बाहर खींचेंगे, ये देखिए मैं खींच रहा हूँ, और इसके साथ ये धागा भी आपका बाहर आ गया। तो आपने देखा कि कितना आसानी से इस पिन के पिनिंग के थ्रू हमने ये धागा इसके निब के अंदर से बाहर निकाल दिया। तो अभी हमारा सेटअप हो गया पूरा सिस्टम, और हमने इसके अंदर कुछ नहीं करना। अब हमें सीधा अपना कपड़ा लेना है, चलिए कपड़ा लेते हैं एक यहाँ पर, ये जैसे हमारा एक रेड क्लॉथ है, नीचे हमने इसके नीचे क्लॉथ लगाते हैं, वाइट क्लॉथ लगा देते हैं, ये वाइट क्लॉथ है हमारा, थोड़ा मोटा लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए हमें। चलिए ये हमारा वाइट क्लॉथ हो गया और ये हमारा रेड क्लॉथ हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसको सेटअप करेंगे यहाँ पर, दोनों को कोने से जोड़, अब इनको हम जोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने इन दोनों को इकट्ठे रख दिया है, इस तरीके से इकट्ठे रख दिया है। तो ये हैंड जो हैंड स्विंग मशीन है, इसका थोड़ा सा ये रहेगा कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बस सेट फर्स्ट स्टेप में। ये अभी हमने इसको रख दिया, अब इसको समझ लो, अभी अगर हमारा यही कपड़ा है, हम इसको जोड़ना था हमने, तो हम कैसे करेंगे, इसको आपको उल्टा पकड़ना, मतलब उल्टा ऐसे सीधा ऐसे ही है, सन ऊपर लिखा है, सन सिंपल ऐसे आएगा, ठीक है आपका। तो ये पतली साइड ऊपर आएगी, मोटी साइड नीचे आएगी, आपको ये अपनी इस वाली फिंगर से, राइट हैंड की फिंगर से उठाना है ऐसे, ये यूं करके उठाया। अच्छा, धागे को थोड़ा सा बाहर निकाल के छोड़ें जरूर, ताकि स्विमिंग स्विंग करने में आसान रहे। तो ये ऐसे उठाया, इसको ऊपर कर दिया ऐसे, और इसके बीच में आप इस तरह से देखेंगे, यहाँ से इसके बीच में आपको यहाँ पे धागा रखना है, ये धागा और ये सिलाई मशीन, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपकी ये टाइट होगी, अब आपको समझो आपको इसको करना, क्या करेंगे, अब अपने चारों उंगलियों को अपनी यहाँ पे नीचे रखें, इसके नीचे ऐसे, और ऊपर सिर्फ ये रखें अपना अंगूठा या फिर ये पूरा पूरा का पूरा अपना ये थंब, इधर से देखें, इधर से यहाँ पे जैसे अपनी चारों उंगलियों अपने नीचे रखी, यहाँ पर पहले तो नीचे रखी और पूरा अंगूठा रखा। अंगूठा क्या है कि अंगूठे थोड़ा मेहनत लगती है, तो आप क्या करें, अंगूठे के बजाय अपना ये वाला पोर्शन यहाँ पे रखें, तो आपको दबाने में जो है थोड़ा आसान रहेगा। अब आपको ये शुरू करना है थोड़ा प्रोसेस, चलिए अब पूरा अच्छे से अंदर तक दबाना है, सोचना नहीं है कि टूट जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पूरा दबाएंगे। मैं एक बार जरा धागा थोड़ा बाहर खींचूँ, ये धागा बाहर आ गया, चलिए शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा ना, पहले उठाया मैंने हल्का सा इसको, तो अपना एडजस्ट भी कर सकते हैं थोड़ा आगे पीछे उठा के इसको, मतलब इस चीज़ को उठा के, ये देखो उठा के इसको एडजस्ट कर लिया अपना, ताकि आपका सिद्ध में रहे। चलिए शुरू करें, ये मैंने यहाँ पे अंगूठे से करूँगा, मेहनत लगती है, थोड़ा जोर लगता है, तो ये यहाँ से थोड़ा इसको हल्का हल्का खींचना भी आपको, ताकि अपने आप नहीं चलेगा, आपको थोड़ा खींचना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो 1 2 3 चलिए पूरा अंदर तक दबाना है, चलिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे सिलाई कर दी है पूरी पूरी, ये देखिए ये आपकी सिलाई हो गई है, देखा फ्रेंड आपने, पीछे दिखाते हैं आपको, ये देखो अगर आपको देख पा रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही सिलाई हुई है,
अगर आपकी सिलाई थोड़ी लूज आ रही है, मतलब आपको लग रहा है कि ज़्यादा खुली है जंगा बीच में इसके, तो आप इसको थोड़ा टाइट कर सकते हैं, इस टेंशन वाली को ऐसे घुमा कर टाइट कर सकते हैं यूँ। और अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा पतली आ रही है तो इसको लूज़ कर सकते हैं ऐसे करके, लूज़ तो लूज़ या टाइट का ही खेल है पूरा पूरा। तो ये आपका हो जाए, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से इसको उठाना है, यहाँ से उठाएंगे आप इसको, ये उठाया और इसको धागे को हल्का हल्का ऐसे चलाते हैं ना, हल्का हल्का अंदर तक नहीं लेके आना, क्या कि वो निकलेगा फिर अदरवाइज। ये इसको उठा के ना बस आपको यहाँ से इसके अंदर ये अट जाता है धागा, तो क्या होता है आपको अट जाता है धागा, तो इसको हल्का सा खींचना है आपको, बस ये करके खींच दिया तो बाहर निकल जाएगा आपका। तो ये देखिए इस तरीके से आपकी स्विंग होती है इसके मशीन के थ्रू। बाकी डेमो इसकी हम आपको बाद में देंगे, अभी के लिए इतना ही। ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, भूलिएगा मत, और अच्छी लगी तो अपनी मम्मी के साथ, दादी के साथ जरूर शेयर भी करिएगा। और कुछ आपको पूछना हो इस वीडियो के अंदर, इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछना हो, तो जो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अगर आपको कोई कमेंट है पूछना हो तो ज़रूर अपने कमेंट डाल दीजिए, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपका आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।